इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? आइल्स में लैंग्वेज क्रिएटिविटी काफी ज्यादा होती है. बेसिकली हमारे ऊपर, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि हमारे ऊपर ना एक लैंग्वेजेस का काफी बोझ होता है. इसको बूस्ट अप करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ रबिया हुसैन, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद रबिया. इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पहले हमारी मजबूरी थी, अब हमारी ज़रूरत बनती जा रही है. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको इस लैंग्वेज पे कमांड है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता. ये मेरा मानना है. पाकिस्तान के 95% आवाम पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स. लेकिन सबसे ज़्यादा हर्डल्स आता है उन्हें इंग्लिश स्पोकन पे. उनको समझ नहीं आता कि इस, ये जो डिग्री होल्डर्स भी हैं, वो टॉपर्स भी हों, लेकिन इस लैंग्वेज में उनको कमांड नहीं होती है. इस इन सब हर्डल्स को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है अपने एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट को, यासीन मलिक साहब. टीचर्स हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, और CEO हैं सिडनी कोचिंग सेंटर के, PTE एक्सपर्ट हैं. यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैं कहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा. बेसिकली मैं शेखपुरा से हूँ और वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट में वहाँ से क्लियर किया. उसके बाद मैं लाहौर आया. लाहौर आने के बाद मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया, और बैचलर कंप्लीट करने के बाद मेरा एक पैशन था कि मुझे जो है वो टीचर बनने का जो है वो शौक था कि मैं पढ़ाऊँ लोगों को जो है. उसके बाद जो है मैंने काफ़ी रिसर्च की कि मुझे किस फील्ड पर जाना चाहिए. फिर एकदम से प्लान चेंज हुआ, ज़िंदगी चेंज हुई, तो सोचा कि मैं जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करता हूँ किसी लाइक यूरोपियन कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया में. जो मेरा जो मेन गोल था वो ऑस्ट्रेलिया था. तो उसके लिए फिर मैंने चूज़ किया PTE को. IELTS और PTE दो चीज़ें थी तब मेरे पास, जो दोनों में कोई भी कर सकता हूँ, इनके थ्रू मैं जो है अप्लाई बाहर कर सकता हूँ. तो फिर जो है वो लोगों ने बोला जी कि PTE कंपैरेटिवली IELTS काफ़ी ईजी है, तो आप इसको आप कर लो. इसके जो है वो इसमें बैंड लेना काफ़ी ईजी होता है, तो आप इसके लिए करके आप जा सकते हो. जब मैंने PTE स्टार्ट किया तो फिर ड्यूरिंग जो मेरी प्रिपरेशन था तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, देखा चीज़ों को कि लोग जो है वो PTE होता क्या है, लोग किस तरह करवाते हैं. और जो मैंने एज ए स्टूडेंट जो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी, वहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर जो एक डर होता है वो किस किस्म का डर होता है, लाइक लोग क्यों नहीं कर पाते हैं इंग्लिश को, या मसला क्या आता है इसके अंदर. तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने उन स्टूडेंट्स के बीच में रह के काफ़ी नोट किया, उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया. फिर मैंने देखा कि PTE को लेके SH कोई खास ट्रेनर नहीं है यहाँ पे जिसकी इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप हो, प्रॉपर उसने कुछ काम किया हो इसके ऊपर. बस वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, उन्हीं को सिंपली वो अप्लाई करते जा रहे हैं. जो मेन काम इसके अंदर मैंने जो नोट किया तो मैंने देखा कि सबसे जो बड़ा होता है इसके अंदर वो स्टूडेंट का डर होता है लैंग्वेज को लेकर. बिल्कुल ऐसे ही है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश लिखना आती है, रिटन में बहुत कमांड होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, दे कांट स्पीक. बिल्कुल, बेसिकली नहीं, ये लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं. कुछ लोगों में स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, तो कुछ लोगों में राइटिंग स्किल वीक होती है, कुछ लोगों में पढ़ने की रीडिंग स्किल अच्छी होती है, तो जो है वो राइटिंग स्किल वीक होती है. तो ये हर इंसान में कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने फिर खुद सोचा कि यार क्यों ना, कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, इसमें लोगों का जो है वो रुझान काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती इसके ऊपर. तो फिर मैंने इसको उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लाइक इसके AI को स्टडी किया, फिर देखा कि इसमें काम कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स निकाली जा सकती हैं. ओके, तो सर आप मुझे ये बताएं कि IELTS एंड PTE इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इन दोनों में बहुत लाइक कॉमन डिफरेंस आता है. ये दोनों ही एक लैंग्वेज टेस्ट है. IELTS भी आपका एक जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, और PTE भी आपका जो है वो, इन दोनों में जो PTE की जो फुल फॉर्म होती है, जो एब्रीवेशन होती है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, वो भी इंग्लिश का टेस्ट है और ये भी इंग्लिश का टेस्ट है. फ़र्क इनमें इतना खास नहीं है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं IELTS को लेकर कि IELTS आपकी क्या चीज़ है, लोग इसकी तरफ क्यों कम जाते हैं. IELTS की मार्केट में डिमांड पहले काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज यहाँ पे इसको कोई कम्पीट नहीं कर रहा था. देन PTE आया, तो PTE ने इसके जो है उसको रिप्लेस किया.
अब आइल्स में होता ही हो कि आइल्स में लैंग्वेज क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, चीज़ों को समझना, उसको सॉल्व करना। हमारा जो एक मीडियोकर होता है बच्चा जिसका इंग्लिश में इतना कुछ एक्सपोजर नहीं होता, तो उसके लिए काफ़ी मसला होता है इसको सॉल्व करने में और इसको समझने में। तो उसकी रिप्लेसमेंट पे आपका निकला पीटी। पीटी एक जो है वो ए बेस टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चा जो है वो शॉर्ट, इसके अंदर वेज होते हैं, शॉर्ट कीज होती हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना बच्चों को समझने में और उसको जो परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत जो है वो नहीं होती है, इजीली उसको कवर कर जाता है। ओके सर, आजकल देखा गया है कि अब तो बहुत ट्रेंड हो गया है कि स्पोकन इंग्लिश पे लोग इसको, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, स्पेशली हर पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। yes, yes. अब तो मैंने देखा है कि ऑटो वाले को भी इंग्लिश आती है। हाँ, इट्स ट्रू, वो रिप्लाई भी आपको इंग्लिश में कर सकता है। exactly. और ऑटोमेटिकली भी वो रिप्लाई कर सकता है, आपको मैसेजेस कर सकता है, फिर भी बोलने में डिफिकल्टी होती है। okay. इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप हमें बताएं, स्टूडेंट्स के लिए भी और बल्कि हम सब के लिए। ओके okay. अच्छा, आप हमने ना अपनी नॉर्मल लाइफ में एक चीज़ देखी होगी, जो बेसिकली जो चाइनीज नेशन आती है, जापानीज आती है, उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी जो अपनी जो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ग्रिप होती है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर हम बात करें कि हमारे अंदर ये वीकनेसेस क्यों आती है, लाइक हम क्यों वीक हैं अपनी जो है वो इंग्लिश को लेके, बेसिकली हमारे ऊपर, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि हमारे ऊपर ना एक लैंग्वेज का काफ़ी बोझ होता है। हम चीज़ों को प्रॉपरली ना परफॉर्म कर पाते हैं, ना जो है उसको ठीक से सुनते हैं, ना उर्दू देख लें, ना इंग्लिश देख लें, आप पंजाबी देख लें, तो काफ़ी लैंग्वेजेस हम ट्राई करते बोलने के लिए। मुझे लगता है कि हम वो नेशन है कि हमें उर्दू पे भी कमांड नहीं है, इंग्लिश पे भी नहीं है, पंजाबी पे भी नहीं है, हम इन तीनों लैंग्वेजेस में ना स्टक हो गए हैं। बिल्कुल, तो फिर ये कि हमने किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता, जैसा इंग्लिश है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, बोलने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं जो आपसे लाइक कॉन्वर्सेट करेंगे, आप इंग्लिश बोलें आपसे, तो उसके लिए हमारे पास इतना कोई एटमोसफेयर नहीं होता, हमारा इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी स्पीकिंग के अंदर खास करके काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि हम कोर्सेज भी कर लेते हैं, हमें इंग्लिश बोलनी भी चले आती है, लेकिन स्पेशली हमारे घरों में ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि स्पेशली हमारे तो ये ना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अब उनको भी नहीं इंग्लिश आती है, तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, तो वो यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट में इंग्लिश बोलेंगे, घर आएंगे तो वो पंजाबी भी सुनेंगे। exactly. तो वो मुझे लगता है कि वो इसी में ही उलझ के रह गए। लेकिन बात सिर्फ प्रैक्टिस की भी तो होती है ना, प्रैक्टिस बिल्कुल है, हमें इसको बूस्ट अप करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने जो है फ्रेंड सर्कल को अच्छा करना पड़ेगा, अपनी जो है वो स्कूलिंग को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा सोशल सर्कल होता है ना, ये बड़ा डिपेंड करता है आपकी ग्रूमिंग के ऊपर ना, तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, देन जाके हम अपना जो है जो हमारे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनको दूर ईजिली कर सकते हैं। तो सर, आपके अब नेक्स्ट, अब अपने आपको आगे 10 ईयर्स में क्या बनना देखना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, कि स्पेशली आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मैं अभी आपसे कुछ देर पहले एक बात कर रहा था कि जिस चीज़ का स्टार्ट अच्छा होता है उसका एंड भी अच्छा होता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका मैंने जो स्टार्ट लिया वो बहुत ऑनेस्टी के साथ लिया, ईमानदारी के साथ लिया, और जो है वो मेरी वालदा एक हमेशा एक बात करती है कि जिस चीज़ में ईमानदारी होती है वो चीज़ कभी गिरती नहीं है। तो सबसे जो मेन फैक्टर था मेरा कि मैं इसके अंदर पहले अपना जो एक इनपुट डालूं वो एक ऑनेस्टी हो, ऑनेस्टी के साथ लोगों को पढ़ाऊं, एक जो है वो अच्छा डिलीवर करूं उनको, तो उससे क्या होता है कि मुझे लाइक इतना इसके जो है वो इसको स्टार्ट किया टाइम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह मैं इसको हर दिन ग्रो करता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आइंदा 10 साल बाद जो है वो मेरा एक प्रॉपर एक लाइक एक पाकिस्तान में एक स्पेस होगी, एक जो है प्रॉपर एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि 2-3-4 महीनों में चीज़ों को मैंने जो देखा और जो मैं 10 साल बाद देखूंगा, तो चीज़ों में एक लाइक बहुत ह्यूज डिफरेंट होगा इनके। क्योंकि आपने ये भी अभी जिक्र किया कि जो पियर्सन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें AI का बहुत ज़्यादा पार्ट है, वो तो AI तो है ही आजकल हमारे बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है। बिल्कुल, अब देखिए ये AI जो है वो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आती है, जैसा हमारा हम देखें कि एक ChatGPT होता है, ये भी एक AI है, हमारे WhatsApp के अंदर भी एक AI ऐड कर दिया, ये उससे बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ आती है। अब एक सॉफ्टवेयर है
उसको जो कमांड्स दी जाती हैं, जिस तरह एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, राइटिंग आता है तो राइटिंग में बेसिकली कुछ फॉर्मेट होता है, उसका एक पैटर्न होता है। जैसे राइटिंग में वो चेक करता है कि भाई जो बच्चे ने लिखा है या ऐसे जो लिखा है वो कंटेंट के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है, वो उसका फॉर्मेट कैसा है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, उसकी ग्रामेटिक उसने कैसा है उसको लिखा है, उसके वर्ड्स के स्पेलिंग कैसा है, तो उसको डिफरेंट कमांड जिस तरह वो दे देता है जिसके ऊपर वो उसकी असेसमेंट करता है, उसकी इवैल्यूएशन करता है। तो हम इसको क्रैक करने के लिए बड़े सिंपल जो है वो टेक्निक्स निकालते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर हम डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि वो जो चीज़ बच्चे को फेस करनी पड़ती है ग्रामेटिकल चीज़ों को सॉल्व करने में जो उसको आइट्स में करनी पड़ती है। आइट्स में तो प्रॉपर आपको एक इंग्लिश चाहिए, आपको वकदरी चाहिए, एडवांस, तो इसके अंदर आपका ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम जो है वो अपनी टेक्निक्स को चेंज करते हैं, अपनी जो है वो ट्रिक्स को चेंज करते हैं, तो वो आपका वो एआई की डेवलपमेंट के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते हैं, जिससे जिसकी वजह से आपको जो पीटी है वो स्टूडेंट के लिए जो है वो ईजिली होता है सॉल्व करने में। सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। अब इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को, अब अगली दफ़ा मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।